हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में, कि किसी किसी पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर के बारे में, कि भाई ठीक है, पार्टनर राइट्स तो कह रहा है कि भाई मेरे पास ये राइट है, द राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू बी रिटायर, ठीक है, नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, ये सब तो वो कह रहा है। भाई मेरे पास ये राइट्स हैं, तू राइट ले ले। तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी तो बनती हैं कि भाई अगर तू ये राइट्स मांग के लिए क्लेम कर रहा है पार्टनर, तो उसके कुछ ड्यूटीज भी हैं, तो वो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। बहुत इजी पहले वाला एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक फर्म है जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारे चार पार्टनर से मिलकर बनाई है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। इन चार पार्टनर से मिलकर ये फर्म हमारी एक्स वाई जेड लिमिटेड बनाई है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इसका मतलब कि अब हमारे पास ये है, ठीक है, ए ने कहा था सबको कि भाई हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तो अब खाली ए की जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्म का कॉमन एडवांटेज है, जो फर्म का मेन गोल है, उसको अचीव करना और बहुत अच्छे से अचीव करना, ये हर पार्टनर की ड्यूटी होती है। वो कैसे होगा कि जब खाली अभी एक पार्टनर के करने से तो होगा नहीं, जब सारे पार्टनर्स मिलकर पूरी डेडिकेशन के साथ, अपनी पूरी एनर्जी लगाकर, अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर, अपना पूरा टाइम लगाकर अपनी फर्म में लगाए और अपनी फर्म को उस एक मेन गोल को अचीव कराने में हेल्प करें। तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है, किसी एक सिंगल पार्टनर की ड्यूटी नहीं है। तो क्या, टू कैरी ऑन बिजनेस, के अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना, अपने बिजनेस को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जो आप, जिससे कि जो फर्म का मेन गोल है वो अचीव हो सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। मान लीजिए ए बी सी डी चार पार्टनर्स है, इन्होंने हम एक बाइक परचेज करी है, और वो बाइक परचेज करी है कि भाई ठीक है, हमें कोई इंफॉर्मेशन है या कोई हमारे पास पेपर्स हैं, वो हमें किसी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करने हैं या लेकर आने हैं, उसमें टाइम कंज्यूम होता है अगर हम पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने अपनी एक प्राइवेट अपनी एक बाइक परचेज कर ली। अब ये काम जिम्मे में आया है बी के, कि बी जो है वो ये काम करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक इन्होंने अगर बी को दे दी तो बी इस बाइक का इस्तेमाल जो है अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर रहा है, नहीं, ये इलीगल है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है फर्म की, तो आप उसका मतलब ये नहीं कर सकते कि आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टनर की ड्यूटी ये बनती है कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ फर्म के काम के लिए ही इस्तेमाल करें। अब ये इस बाइक का इस्तेमाल सिर्फ जो फर्म के काम है, पेपर्स को डिपॉजिट करना, पेपर्स को लेकर आना, या जो भी ऐसा जो भी काम है उसी के लिए करा जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो पर्सनल यूजेस हैं उनके लिए बी या कोई भी पार्टनर इस बाइक का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है टू ऑब्जर्व गुड फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं होगा तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। क्या, ये हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो फेथफुली काम करे, ईमानदारी से काम करे। मान लीजिए हमारे पास जो पार्टनर सी है, ये सी जो है बहुत गड़बड़ घोटाले करता है, ठीक, ये पैसों की हेर फेर भी कर देता है। अब गलती कौन कर रहा है, पार्टनर सी? नाम बदनाम किसका होगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड का। यानी कि अल्टीमेटली ए बी और डी का भी नाम खराब हो रहा है कि भैया ये पार्टनर्स हैं इनके, यानी कि कर तो कर सी रहा है लेकिन नाम सबका खराब हो रहा है। तो यही कि हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फेसफुली पूरी ईमानदारी के साथ और सही तरीके से काम करे, क्योंकि अगर लॉस होगा, मान लीजिए सी ने जो गड़बड़ करी थी, अब जो ये गड़बड़ करेगा उसका लॉस सब बियर करेंगे वरना, ठीक है ना। तो यही है। नेक्स्ट हमारा आता है टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पार्टनर डी है, इस पार्टनर डी ने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी थी, या अपनी पार्टनरशिप हमारी एक्स वाई जेड लिमिटेड को ही कंसिडर्स में लेके इसने कोई ट्रांजेक्शन करी थी जिससे कि डी को प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का, ठीक, इसको प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का। अब डी ये नहीं कह सकता कि ये तो मेहनत मैंने करी थी इसलिए 10,000 रुपए मेरे, नहीं, क्यों, क्योंकि इसने एक्स वाई जेड लिमिटेड को कंसिडर करके अपना ट्रांजेक्शन करी थी। अब ये एक्स वाई जेड लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए यह हर पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर फर्म के नाम पर उसको कोई पैसे मिले हैं या फर्म के नाम पर उसने कोई प्रॉफिट अर्न करा है, तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो उस प्रॉफिट को अपनी फर्म को बताए, उसके रिकॉर्ड से मेंटेन करवाए, जिससे कि वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। वो ये नहीं कह के बैठ सकता कि ये तो मुझे मिला है, नहीं, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट
टू अटेंड डिलिग्निटी। अटेंड डिलिग्निटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर उसके पास किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी मान लीजिए फर्म किसी ट्रबल में फंस गई, किसी प्रॉब्लम में फंस गई, तो उसके पास उसको निकलने की पता है, उसको नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं, ठीक। तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो उसको इस्तेमाल करे। मान लीजिए गलती तो करी थी ए ने, सी को पता है कि भाई कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये सी की ड्यूटी है कि वो उसको बताए। क्यों? क्योंकि अगर ए की गलती की वजह से कोई लॉस होगा तो वो लॉस सब बियर करेंगे। तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का, अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे, जिससे कि फर्म का जो मेन गोल है वो अचीव हो सके। उसको बताए जिससे कि फर्म को, जिससे फर्म की गुडविल ना खराब हो, फर्म का नाम ना खराब हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है टू शेयर लॉसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी पार्टनरशिप फर्म ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। क्यों? मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, ठीक। तब तो सारे पार्टनर्स कह के बैठ गए कि भाई ठीक है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:3:4:5 है। तब तो फर्म सबने कह दिया था कि भाई ठीक है, 1 लाख रुपए को इस रेशियो में बांट दो। तब तो बी बहुत खुश था कि भाई हाँ ठीक है, मेरा तो रेशियो 5 है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। अब मान लीजिए ये तो रहा आपका 2016 में आपको इतने का प्रॉफिट हुआ था। अब मान लीजिए 2017 में फर्म को लॉस हुआ था 3 लाख रुपए का। तो अब यहां पर डी ये नहीं कह सकता कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो 2:3:4:5 था, कि अब जो लॉस है उसको इक्वली बांट दो। नहीं, अब यहाँ पे डी ये नहीं कहेगा कि मेरे को तो लॉस का बहुत बड़ा पोर्शन मिलेगा, ये उसकी गलत बात है। तो यानी कि यहाँ पे ये बात कहते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में ही शेयर ले रहे थे तो आपको लॉस में भी उतना ही शेयर मिलेगा। भाई बात यहाँ पे ये भी बैठती है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसी में बटेगा ही, अगर नहीं है तो इक्वल, दो कंडीशन से ये बैठ गई। लेकिन मेन बात समझाने वाली यहाँ पर ये है कि अगर कि ये हर पार्टनर का राइट है कि अगर वो प्रॉफिट में भी शेयर ले रहा है तो वो लॉस में भी शेयर लेगा। अगर प्रॉफिट में उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा था तो लॉस में भी उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा लेना होगा। ये हर पार्टनर की ड्यूटी है। आई होप आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग में जरूर आता है। अगर आपको इस मटेरियल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड है।